मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में अब इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड जागरूकता अभियान के दौरान दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार ने तय किया था कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना सोए, उसी को देखते हुए प्रदेश में अब जल्द ही इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को दो टाइम भरपेट भोजन दिया जा सकेगा। इसी के तहत इंदिरा रसोई योजना प्रदेश के सभी निकायों में शुरू होगी। शहरों में पौष्टिक आहार की कमी है तो हमने अभी इस मौके पर मैंने कहा था भूखा कोई नहीं सोए। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी जिसने बांग्लादेश का उदय किया, हरित क्रांति लेके आई, परमाणु विस्फोट किया 74 में पोखरण के अंदर। उस महान नेता की याद में हम लोगों ने तय किया है इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत कोई भूखा नहीं सोएगा और इसकी शुरुआत जल्दी होगी। नगर पालिका क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना प्रत्येक निकाय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्वाद का ध्यान रखते हुए व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के संचालन हेतु स्थानीय एनजीओ की तरह सुनिश्चित की जाएगी और योजना के प्रभावी संचालन हेतु आईटी की सहायता से प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भी मॉनिटरिंग होगी। करीब 100 करोड़ रुपए हम लोग खर्च करेंगे प्रतिवर्ष, ये हम लोगों ने तय किया कि योजना लागू करें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।